का असाम पर आक्रमण है अटैक है, है इंडिया। नफरत इंडिया के साथ कुछ नहीं होगा बर्बाद कर दी पूरी हिंदुस्तान की प्रथम पर्याय निर्वाचन हो गलत द्वितीय पर्याय तृतीय पर्याय Alohi, Rahul thank you very much for joining me for the interview and especially in the holy day. So first of all, thank you. Happy Holi. Happy Holi. In Assam, the, the first phase, the school of opinion, there is a school of opinion that uh, you or party have done reasonably well in the first phase. That's my first question. What's your take on that? Yeah, I would agree with that. Aap hindi Hindi, phase mein aap acha honge. performance सो हाउ मच यू एक्सपेक्ट कैसे कितना देखिए मैं मैं एक्सपेक्टेशन में नहीं जाता भविष्य को प्रिडिक्ट नहीं करता हूं वो मेरे कैपेबिलिटी नहीं है मगर मूड पॉजिटिव है और काफी इफेक्टिवली हम चुनाव लड़े हैं तो रिजल्ट आएगा दिस एंटायर इलेक्शन जो आपने किया है एंटायर थिंग इज बेस्ड ऑन वर्ड कॉल गारंटी पांच गारंटी आपने दिया है वाट इज दिस गारंटी क्या है क्या ये हमारा एक्सपीरियंस छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश राजस्थान में यह बात हमें समझ आई हमने क्लियर कट कमिटमेंट किया था छत्तीसगढ़ में राजस्थान में मध्य प्रदेश में कि देखिए अगर हम चुनाव जीतेंगे तो हम ये आपको करके दे देंगे खोखले शब्द नहीं होंगे ये हम पचास चीजें नहीं बोलेंगे दो तीन चीजें चार चीजें पांच चीजें बोलेंगे बट वो हम करके दिखा देंगे आप छत्तीसगढ़ जाइए हमने वहां पे दो तीन कमिटमेंट्स किए थे किसान का कर्जा माफ करने का कमिटमेंट किया था छह घंटे के अंदर हमने कर दिया और वो हमने असम में किया है क्रिटिकल जो हमें लगा और ये हमने नहीं बोला हमने मैनिफेस्टो प्रोसेस चलाई हम आसाम की जनता के पास गए टी गार्डन्स में गए बाकी लोगों के पास गए और हमने उनसे पूछा भैया बताओ क्या है और उन्होंने हमें इनपुट दिया और हमने कहा ठीक है ये आप चाहते हो ये कांग्रेस पार्टी गारंटी करके दे देगी वन ऑफ द बिगेस्ट गारंटी आपने दिया सबसे सब पहले वाला का वेरी सेंटिमेंटल एंड इमोशनल एंड वे टच सब्जेक्ट है तो आपने बताया का विल बी रिपील और रिप्लेस ऑसोमिया में अपनी बातिल एनिमेज लैंग्वेज हाउ इट इज पॉसिबल It's a central we not, law. We will not allow assume it. Will, that, assume that you were given, uh, you were given a mandate to run the state. It will be done in the assembly, and we will not allow car to come into Assam. Simple. Can you explain? We are not going to allow it. How? We are, we are it's in a central law. We are going to pass it in the assembly. We are not going to allow it. Finished. Is it possible? Yes, it's possible. We will do it. But how can a central law you can stop in Assam? We will pass in the assembly that car will not be applicable in Assam. We will not implement it.

असम पर आक्रमण है अटैक है भाषा पर आइडिया पर हिस्ट्री पर कल्चर पर ये असम को अटैक करने का एक तरीका है हम वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो हम होने नहीं देंगे यही बात मैं तमिलनाडु में कह रहा हूं इफ असम इज इंडिया देन इंडिया इज असम मतलब इज्जत का रिश्ता होगा इक्वालिटी का रिश्ता होगा सुप्रीमेसी का रिश्ता नहीं होगा अलाउ नहीं करेंगे ये में और उनमें फर्क है हमारे लिए इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स यूनियन ऑफ आइडियाज यूनियन ऑफ लैंग्वेजेस यूनियन ऑफ रिलीजन्स यूनियन ऑफ यूनियन ऑफ इमेजिनेशन इसमें हमारे लिए सब भाषाएं सब हिस्ट्रीज सब कल्चर सब इतिहास इक्वल है हमारे लिए एक दूसरे से बड़ा नहीं है तो हमारे लिए चाहे वो आसाम हो बंगाल हो तमिलनाडु हो पंजाब हो हरियाणा हो इन सब की एक जगह है उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा स्टेट है आसाम उतना बड़ा नहीं है मगर इक्वालिटी होनी चाहिए एक आइडिया दूसरे आइडिया को नहीं दबा सकता हिंदुस्तान में यह आइडिया है और ये ये गारंटी के पीछे भी ये आइडिया है के पीछे भी आइडिया है यही कारण के फर्स्ट पेस में हम अच्छा कर रहे हैं देखिए आसाम में और देश में अब स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम फाउंडेशनल प्रॉब्लम आ गई है दो तीन गहरी प्रॉब्लम्स है पहली प्रॉब्लम युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है सिर्फ आसाम में नहीं कहीं भी नहीं दूसरी प्रॉब्लम जो मशीन रोजगार देती है जिसको हम इकोनॉमी कहते हैं वो बंद पड़ी है हमारी पांच गारंटीज के पीछे ये भी आइडिया है कि हम हमी... उस मशीन को चालू करें उस मशीन में हम फ्यूल डालें इसीलिए हमारी चार पांच गारंटीज लोगों के जेब में पैसा डाल रही है आइडिया क्या है इकोनॉमी क्यों रुकी है क्योंकि लोगों के जेब में पैसा नहीं है अब जो सिंपलिस्टी के लिए बोल चुका है ऐसा हम लोग करने को नहीं देंगे सेंट्रल एक्ट किसी भी आदमी आसाम में रहने it. वाला है अप्लाई करेगा ऑनलाइन वी विल नॉट डू इट इम्प्लीमेंट तो हम ही करेंगे ना इट पॉसिबल टू डू इट नेक्स्ट नेक्स्ट कम द आपने गारंटी है पांच लाख जॉब इज इट फिजिबल पांच छह लाख तो आसाम में टोटल एम्प्लॉज ही है गवर्नमेंट नहीं नहीं देखिए हमने ये नहीं कहा है कि पांच लाख जॉब पब्लिक सेक्टर से आएगी हमने कहा है कि सिलेक्ट जॉब पब्लिक सेक्टर से आएंगी और प्राइवेट सेक्टर से जॉब जाएंगे प्रॉब्लम क्या है इकोनॉमी बंद पड़ी है जो हमारा जॉब क्रिएशन का इंजन है वो बंद है जॉब आएगी अगर अगर आप अगर आपकी इकोनॉमी बंद पड़ी है जॉब कहां से आएगी तो हम जॉब्स का जो वायदा किया है हमने फर्स्ट स्टेप जो वेकेंसीज है उनको भरेंगे सेकंड स्टेप इकॉनॉमी को चालू करेंगे इकॉनॉमी को कैसे का चालू करेंगे लोगों के हाथ में पैसा डालकर लॉजिक क्या है मैंने आपके हाथ में पैसा डाला आपने कुछ खरीदा जब आपने खरीदा किसी को बनाना पड़ेगा फैक्ट्री चालू हुई फैक्ट्री में लोगों को रोजगार मिलेगा आज तो पूरा ढांचा बंद है ना आज पूरा का पूरा पैसा गुजरात जा रहा है दिल्ली जा रहा है सिंडिकेट के यहां जा रहा है वोट इज सिंडिकेट क्या है

प्लांटेशन लेबर एक्ट ये कैसे फिजिबल होगा सारे टी इंडस्ट्री को बर्बाद ना करके ये टी इंडस्ट्री को हम बर्बाद नहीं करेंगे हम 365 देंगे और हम टी इंडस्ट्री को सपोर्ट करके देंगे हम Have हम टू ट्विक प्लांटेशन लेबर एक्ट दोनों एक नहीं हो सकता प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग दैट वी अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स द बीजेपी डज नॉट अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स आर टू इकोनॉमिकिंग बोल सकते हैं अभी मैं बता सकता हूं आप जीडीपी का लेवल बता दीजिए मुझे क्या है आज ग्रोथ रेट क्या है आप बता दी डिमोनिटाइजेशन क्या है बता दीजिए जीएसटी क्या है बता दीजिए बर्बाद कर दी पूरी हिंदुस्तान की इकॉनॉमी जो हमारी स्ट्रेंथ थी उसको खत्म कर दिया आपने चलानी नहीं आती आप सबके जेब में से जे पैसा निकाल रहे हो और फिर आप सोच रहे हो कि इकोनॉमी चलेगी कैसे हो सकता है कमिंग बैक टू लेट मी आंसर प्लीज दो में हमारी यही सिचुएशन थी प्रॉब्लम क्या थी इकोनॉमिक ग्रोथ की जरूरत थी हमने क्या किया हमने मनरेगा किया मनरेगा क्या था मनरेगा गांव में डायरेक्ट पैसे का इंजेक्शन था सब जर्नलिस्ट ने हमें कहा कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है पैसा जाया कर रही है गरीबों को गलत गलत आदत दे रही है बर्बाद कर रही है हुआ क्या जैसे ही हमने पैसा डाला रूरल इकोनॉमी चालू हो गई किसी ने टूथपेस्ट खरीदा किसी ने जूता खरीदा किसी ने साबुन खरीदा वहां पे इंजन चालू हो गया उस इंजन ने अर्बन इकोनॉमी को चालू कर दिया वो इकोनॉमी जो मुझे कह रहे थे कि आप कर क्या रहे हो दो साल बाद आते हैं कहते भैया है ये तो जादू हो गया फिर वो हार्वर्ड में आगे पीछे मन रहेगा उसका कर रहे देखिए ये विन विन हो सकता है

और उसमें आप लड़ाई करा रहे हो उसमें आप नफरत फैला रहे हो वो तो चालू ही नहीं होगा तो दो चीजें चाहिए होती इकोनॉमी के लिए सबसे पहले और असम के हर व्यक्ति को समझना पड़ेगा शांति नफरत के साथ कुछ नहीं होने वाला ये नफरत बात मत सॉरी नफरत के साथ कुछ नहीं होगा पहले शांति आएगी वो कांग्रेस लाएगी उसके बाद डायलॉग शुरू होगा स्टेक होल्डर्स के साथ डायलॉग शुरू होगा भैया आप बताइए क्या चाहते हैं आप बताइए क्या चाहते हैं ठीक है हमें यह करना है अब आप बताइए इसको बैलेंस करने के लिए हम कैसे करें क्या करें यह यूनिलैटरली नहीं होगा यह प्यार से बातचीत करके स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करके हम समझते भाई us, हैं भाई कि टी गार्डन आर फंडामेंटल टू असैम इट इज अ बैलेंस इट इज अ बैलेंस बिटवीन ओनर्स एंड वर्कर्स वी आर गोइंग टू मेंटेन दैट बैलेंस वी मेड अ कमिटमेंट टू वर्कर्स वी विल मेंटेन द बैलेंस एंड वी आर नॉट गोइंग टू डिस्ट्रॉय द टी इंडस्ट्री दैट्स नॉट वी वॉन्ट इट्स द प्राइड ऑफ असैम एंड वी अंडरस्टैंड हम समझते हैं कि कंस्टेंट दोनों के ऊपर है इट इज नॉट अ वन साइडेड कंस्टेंट अगर लेबर पे कंस्टेंट है तो ओनर्स पे भी कंस्टेंट है और हम उसको मैनेज करके निकालेंगे हमें वो कैपेबिलिटी है देखिए हमने जीएसटी की बात की हमने कहा था हम जीएसटी करेंगे बीजेपी का क्या आइडिया हुआ मोदी जी कहते हैं बारह बजे रात को करूंगा धूमधाम के साथ मतलब पटाखे बजाए वो फंक्शन हुआ अंदर आए स्टेज पे कर दिया गोसिएशन किसी से नहीं किया बातचीत किसी से नहीं की स्टेक होल्डर से बोल, को बोला ही नहीं और फिर देखिए क्या हुआ नोटबंदी कर दी बिना किसी से पूछे वो कैबिनेट से भी नहीं पूछा फाइनेंस मिनिस्टर से नहीं पूछा कर दिया आइडिया ही नहीं है तो वी हैव एक्सपीरियंस वी हैव अंडरस्टैंडिंग वी है सैम टुगेदर We have made a same work. So you are, would like to give an assurance to the industry still, both the laborers as well as the industry? But how, it, but, ko mila how, ke? but how can we ever imagine that the tea industry will work without a balance? It cannot. We know that. And we are certainly not trying to destroy the tea industry. We are trying to create a positive cycle. We are trying to create a win-win. And we are good at it. वेरी गुड इट इट प्लीज गो टू छत्तीसगढ़ वी आर गुड एट डूंगिकॉक हम बात करते हैं हम सुनते हैं हमने मैनिफेस्टो बनाया बंद कमरे में नहीं बनाया लाखों लोग से पूछ कर बनाया ये जो पांच गारंटीज हैं यह असम की जनता ने हमें दी है ये, ये नोटबंदी नहीं है कि हमने एक दिन सोच लिया कि भैया पांच सौ रुपये हजार रुपए का नोट हम खत्म कर रहे हैं न हम गए हमने पूछा भैया क्या करना है हमें मालूम था कि इकोनॉमी पर पैसा डालना है हमें मालूम था कि नारेगा जो मैंने आपको मॉडल बताया इंजेक्शन कैश इंजेक्शन देना है अब हमारे को ये समझना था कि किस प्रकार से देना है तो हमने निकाला कि भैया क्लियरली टी गार्डन में देना है एक वर्ड आपने बताया नफरत इस फास्ट पेज में कौन जीतेगा कितना किसी को पता नहीं ना आपका ना मेरे को एक बात लेकिन हम सबको पता हो गया है दोस्ट वर्किंग इन दिल्ड फेज हैज कम्प्लीटली रिजेक्टेड हैट्रेड आप जितना भी कुछ प्रोवोकेशन लाया था एक पार्टिकुलर आदमी के ऊपर में कुछ रिलीजन के ऊपर में एंटायर थिंग फ्लैटली रिजेक्टेड ये हम लोग बहुत अच्छा, अच्छा से रिजेक्टेड प्रोवोकेशन बहुत लाया था देखिए मैं आदमी का नाम बार बार बोल रहा है असम इज द स्टेट ऑफ बैलेंसिंग जो आप जो आप यूपी में कर सकते हो विदाउट बैलेंस कि भैया ऐसे करना है वो असम नहीं कर सकते और अगर आपने कर दिया आग लग जाएगी तो असहम द वे टू रन असहम इज सबसे पहले आप सबसे गले मिलो सबको आप जोड़ो सबकी आप कॉम्प्लेक्सिटी समझो और फिर स्टेक होल्डर्स को बैठा के कहो भैया ये हम रास्ता निकाल रहे हैं ये आपको ठीक लग रहा है नहीं बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा अच्छा बताइए कैसे इसको ट्वीट करें अच्छा इसको ऐसे ट्वीट करिए हाँ ठीक है अब ठीक लग रहा है हाँ ठीक लग रहा है चलिए अगर आपने यह प्रोसेस नहीं की असैम में असम नहीं चल सकता पानी की कॉम्प्लेक्सिटी है लैंग्वेज की रीजन की मतलब टोटल जीनियस जीनियस स्टेट तो मिनी इंडिया मिनी इंडिया वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव एंड इमोशनल थिंग इज क्लॉस उस बारे में देखा है आपका इलेक्शनिंग में मैनिफेस्टो में सारे आप लुदा लोगों का जो अप्रोच है उसमें इतना प्रोएक्टिव नहीं देखा क्लॉस सिक्स में जितना आपने कान ने बताया लेकिन क्लॉस सिक्स में क्लॉस सिक्स का बात में कुछ नहीं बल रहा है क्यों यू लिटिल बिट हेजिटेंट टू टॉक अबाउट क्लॉस सिक्स वी आर नॉट हेजिटेंट टू टॉक अबाउट इट

तो कैश वी आर वी आर तो please, क्या डिफरेंस और में इस, इस से, इस में, इस पर्टिकुलर मुद्दे पे वो करते नहीं है तो, वो दे वो उन्हें, बोला कि भैया छत्तीसगढ़ में कर्जा माफ करें कर दिया ना खुद ने बता रहे हमने आप जो बीजेपी प्रॉमिस कर रहे हैं तीन हजार आप प्रॉमिस कर रहे हैं दो हजार बात तो एक ही होगा दोनों आप मछली इसको दे बात, बा, बात नहीं है सिंह मानने के लिए आप, तो आप अच्छा, लोग दीजिए मुझे एक सेकंड पेन दीजिए देखिए ये पेन है एक मैंने आपसे कहा देखो भैया ये लो दे दिया ये एक तरीका है ये लो पेन लीजिए आप इसमें फर्क नहीं दिख रहा आपको आई मीन टोटली फर्क है वी आर मेकिंग अ कमिटमेंट आप देख लेना थ्री सिक्सटी फाइव इज गोइंग टू हैपन सवाल नहीं उठता गुड मीनिंग मीनिंग दिस जो पेन है हमने जो मेरे, मेरे क्वेश्चन दूसरा था आप किसी को फिश हर दिन फ्री दे रहे हो और उसको फिशिंग करने के लिए नहीं, सिखा नहीं, नहीं, दे नहीं, दो फिशिंग का नेट दे दो देखिए अभी क्या always for the, आपको फिशिंग का तरीका दिखा दो नेट दे दो खुद कर लेंगे हमने हमने मनरेगा दिया प्रेस वालों ने कहा ये आप क्या करते हो अच्छा बात है लेकिन अभी दो हजार का आप रहे हो नहीं बट सुनिए लॉजिक समझिए लॉजिक अभी क्या है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी जो है उसमें दो फंडामेंटल प्रॉब्लम है पहली प्रॉब्लम है कि वो बंद पड़ी है अगर हमने कंजम्पशन फायर नहीं किया इकोनॉमी नहीं चालू होगी वी आर बिलीविंग दैट बीजेपी इज बिलीविंग कि सप्लाई साइड से वो इकोनॉमी को चालू कर सकते हैं हम नहीं मानते इसको कंजाम्शन से हम कह रहे हैं कि भैया पैसा डालो कंजम्पन स्टार्ट करो कंजम्पन स्टार्ट होगा सप्लाई साइड शुरू होगी वो कह रहे हैं सप्लाई साइड में पैसा डालो कंजम्पशन शुरू हो गया हम कहते हैं भैया सप्लाई साइड में जितना पैसा डालना है डाल दो अगर कंजम्पशन uh, साइड पे लोगों के पास पैसा नहीं को, को खरीद नहीं सकते कैसे इकोनॉमी स्टार्ट होगी तो फंडामेंटल डिफरेंस नंबर वन नंबर टू हिंदुस्तान में क्या हुआ है इनक्वालिटी बहुत बढ़ गई है चुने हुए लोगों के पास लाखों 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 करोड़ रुपए हैं और लाखों लोगों के पास कुछ नहीं है इस इनिक्वालिटी को uh, रिजोल्व करने के लिए हमारा एक कॉन्सेप्ट है जो हमने प्रपोज किया था लोकसभा इलेक्शन में न्याय का डायरेक्ट कैश इनकम सपोर्ट दैट इज कॉन्सेप्ट बिहाइंड आर माइंड दैट वी नीड टू अटैक दिस इन इस इनक्वालिटी से बहुत बड़े प्रॉब्लम आने वाले हैं इसीलिए हम कैश डाल रहे हैं दो, दो लॉजिक से एक इकोनॉमी को स्टार्ट करना और दूसरा इनकम इनइालिटी पे का सवाल उठाना क्वेश्चन है दैट पोस्ट इलेक्शन आप अपना भी कांग्रेस ने ट्राई किया महाजोत में रीजनल ब्लॉक को नहीं ला सका पोस्ट इलेक्शन दैट रीजनल ब्लॉक के लिए आपका दरवाजा खोला रहेंगे देखिए हमारा लक्ष्य बीजेपी आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है उसको हराने का है जो भी फॉर्मेशन नॉन वायलेंटली बिना हिंसा के भाईचारे के साथ यूनिटी के साथ हमारी जो बेसिक आइडियोलॉजी उसके साथ हमारे साथ खड़ा होगा लड़ेगा हम उसके साथ इन इलेक्शन योर पार्टी बीजेपी कैंडिडेट इन सोनवाल एंड डिफरेंट थिंग दे आर नॉट हैव गॉट वेरी ह्यूज प्रॉब्लम नो 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 इट्स इट्स एन एक्सटर्नल प्रॉब्लम I would I would not consider them assets. I would consider them as as liabilities for the BJP. For the BJP. Yeah. Now, example. Assuming that you form you go party get this much of votes, this month of seats to form a government, you have a totally a vague, hazy picture about no, your leaders. hidden assets inside our party. That that will be made visible to you uh, once election is over. They have liabilities, they have two liabilities. We have hidden assets, many, many people.

और मुझे लगता है कि बीजेपी को असम रिजेक्ट करेगा असम का जो कल्चर है हिस्ट्री है वो रिजेक्ट करेगा तो थैंक यू वेरी मच मिस्टर गांधी फॉर गिविंग मी टाइम ऑन होली थैंक यू देर इज दिस इवन शेक थैंक यू वेरी मच थैंक यू। यू। नाइस टॉकिंग टॉकिंग टू